पहले हमास और अब हिजबुल्ला। इसराइल लगातार अपने दुश्मनों पर तबाही मचा रहा है। खास बात यह है कि इसराइल के अटैक के तरीके ने पूरी दुनिया का अटेंशन ले लिया। पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी, सोलर पैनल अटैक ने लेबनान में इतना डर मचा दिया कि लोग अब इनके इस्तेमाल से बच रहे हैं। हमास के साथ इसराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे लेबनान पर इसराइल ने आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर घातक हमला किया, हजारों लोगों को मारा, बंधक बनाया। इसराइल उससे जूझ ही रहा था कि लेबनान ने पीछे से रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसराइल डिगा नहीं, टिका रहा। पहले गाजा में घुसकर हमास को खत्म किया, जमीन के नीचे से खोज खोज कर हमास आतंकियों को निकाला, मारा, कईयों की तो सुरंगों में ही कब्र बना दी। इसके बाद बारी थी हिजबुल्ला की। पहले कुछ हल्के फुल्के हमलों के बाद इसराइल ने बनाई ऐसी सीक्रेट प्लानिंग जिससे हिजबुल्ला रेंगने लगा। अब आपको बताते हैं कि 17 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, जिसमें इसराइल ने हिजबुल्ला के सभी आकाओं के सिर काट दिए, कैसे हिजबुल्ला का खात्मा हुआ। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हजारों पेजर में से एक साथ ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मारे गए, जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। 4,000 लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया तो यही मानती है। इसराइल ने कहा कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इसराइली लोगों को उनके घरों में वापस लाएंगे, यानी हिजबुल्ला को खत्म करेंगे, तभी ये हो पाएगा। लेबनान अभी पेजर हमलों से उबरा भी नहीं था कि अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकी और अन्य यंत्रों में विस्फोट हुआ। उसके घरों में अलग अलग यंत्रों में धमाके होने लगे, 14 लोग मारे गए, करीब 450 जख्मी हुए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि ये गजब का अचीवमेंट है, इसमें इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने मिलकर काम किया, नतीजे भी अच्छे आए, लेकिन पेजर अटैक के बारे में कुछ नहीं बोला। 19 सितंबर को इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। हिजबुल्ला समझ ही नहीं पाया कि इजरायली फोर्सेस को उनकी खबर कहां से मिली। इसके बाद से एयर स्ट्राइक लगातार चालू है। अगले दिन यानी 20 सितंबर को इसराइल के बेरूत के रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना इसराइल ने बनाया। हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम आकिल मारा गया, साथ में 37 लोग खत्म हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। इस हमले में आकिल समेत हिजबुल्ला के 15 और लड़ाके मारे गए थे। 1983 में बेरूत के अमरीकी दूतावास में धमाका करने के लिए आकिल अमरीका में वॉन्टेड था। आकिल ने ही हमास से मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की योजना बनाई थी। 28 सितंबर को इसराइली मिलिट्री ने घोषणा की कि उन्होंने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को बेरूत के दाहिये में हुए एयर स्ट्राइक में मार डाला है। हिजबुल्ला ने कुछ घंटों बाद इसकी पुष्टि की। अब रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि नसरल्ला और हिजबुल्ला के सभी कमांडर्स के मारे जाने से एक छोटे इलाके में कुछ देर के लिए शांति भले ही हो सकती है, लेकिन ये एक बड़े जंग से पहले का सन्नाटा है। इसके बाद भयानक स्थितियां पैदा होने वाली है। कुल मिलाकर इसराइल ने ये तय कर लिया है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो दुश्मनों को नेस्त नाबूद ना कर दे। सबसे अहम बात यह है कि इसराइल के हमले के तरीके ऐसे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, चाहे फिर वो पेजर अटैक हो, वॉकी टॉकी अटैक हो, सोलर पैनल ब्लास्ट हो या फिर बंकर अटैक। इसराइल सभी तरीकों को अपनाकर अपने दुश्मनों को खत्म करने का इरादा बना चुका है।